आज हम इलाहाबाद के एक ऐसे मंदिर में आ गए हैं जहाँ पे कोई भी प्रतिमा नहीं है, किसी भी प्रतिमा की पूजा नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम आ पहुँचे हैं नैनी ब्रिज को क्रॉस करते हुए चुंगी। चुंगी से 300 मीटर है आलोपी बाग मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठों में से एक है और प्रयागराज जिले में स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा चुंगी, और चुंगी पहुँचने के बाद आप पैदल भी यात्रा कर सकते हैं क्योंकि चुंगी से ज़्यादा दूर नहीं है, 300 मीटर के आसपास दूरी ये है। आइए ले चलते हैं आपको मंदिर की ओर। इस मंदिर के सामने सुनहरे रंग के दो घड़े बने हुए हैं गोल चौराहे पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। हमने रोड क्रॉस कर लिया है, अपनी स्कूटी दूसरे साइड पार्क कर दिया है। अभी आपको ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही होगी क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी। यहाँ पे दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है। अगर आप दर्शन के लिए आ रहे हैं तो सुबह या शाम में ही आएँ ताकि आपको दर्शन अच्छे से हो जाए। इस मंदिर की अपनी एक अलग मान्यता है कि यहाँ पे आप अगर कलाई में रक्षा सूत्र बंधवाते हो और कोई मान्यता मांगते हो तो वो आपकी मान्यता पूरी हो जाएगी, और जब तक आपके हाथ में वो कलावा रहेगा तब तक आपकी रक्षा माता जी करती रहेंगी। हम मंदिर के गेट के सामने आ गए हैं और गेट के सामने दो चबूतरे बने हैं, जहाँ दोनों तरफ चबूतरे पे दो बैठे हुए शेर की स्टैचू बनी है, जो कि अपने आप में अलौकिक दिख रही है। यह मंदिर अपने आप में एक बहुत खास महत्व रखता है क्योंकि यह एक ऐसी मंदिर है जहाँ पे किसी भी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती, यानी इस मंदिर में कोई भी प्रतिमा, कोई भी मूर्ति नहीं रखी गई है। इस मंदिर के लिए विभिन्न किंवदंतियाँ हैं, जिसमें से सर्वमान्य एक कहानी है माता सती जी के लिए। सती जी के देहांत के बाद जब शिव जी उनकी अस्थियाँ उठाकर विलाप और दुख में लीन थे, तो उनकी अस्थियाँ जहाँ जहाँ पृथ्वी पे गिरी वहाँ वहाँ पे शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। और ऐसी ग्रंथों के अनुसार मान्यता है कि कुल 51 शक्तिपीठ हैं भारत में भी, और हैं और भारत के बाहर भी हैं। मान्यताओं के अनुसार यहाँ पे सती जी का दाहिने हाथ का पंजा गिरा था, जो कि बाद में अदृश्य हो गया था, जिसके नाम पे इस मंदिर का नामकरण किया गया आलोपी बाग मंदिर। गिरने के बाद अस्थियों का अदृश्य हो जाने के कारण इस मंदिर को माँ आलोपी संकरी शक्तिपीठ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ वर्ष भर में बहुत से श्रद्धालु आते हैं पूरे भारत से। आइए आपको इस मंदिर का हम शांति से भरा हुआ परिसर दिखाते हैं, जो कि बहुत ही सुकून वाला है।